आज भी देश के आधे किसान सूखे से है ग्रस्त और आधे बाढ़ से बर्बाद हैं, पर कहने के तो हम आजाद हैं। आज भी किसी नुक्कड़ पर मजहबी दंगे हैं, किसी गली में कौमी फसाद है, पर कहने के तो हम आजाद हैं। आज भी जवान की सादत पर होती राजनीति है, मुआवजे की आस में बिलखते हैं वो जिन्होंने खोए औलाद है, पर कहने के तो हम आजाद हैं। जगत गुरु थे हम कभी, कभी थे सोने की चिड़िया, आज 70 रुपए का एक डॉलर है, हम बस जंग लगी फौलाद हैं, पर कहने के तो हम आजाद हैं। बैठे हैं जो सत्ता में या उनके यार हैं, बस वही आबाद है, पर कहने के तो हम आजाद हैं। चढ़ गए जो सूली पर वो कहाँ किसी को याद है, पूछते हैं हम उनको जो फैलाती जातिवाद। आओ तोड़े इन बेड़ियों को, मारे इन भेड़ियों को, और सींचे इस नींव को जो राष्ट्र की बुनियाद है, और दिखा दे सारी दुनिया को कि वाकई हम आजाद हैं। आदाब दोस्तों, मैं सादिक अख्तर और मेरे साथ है जल्फर फरीदी। मैं झारखंड के चतरा से हूँ। आज मैं इस वीडियो में चतरा के हर छोटे बड़े अच्छे बुरे मुद्दे पर बात करूँगा। तो शुरू करता हूँ चतरा के कुछ इतिहासों से। प्राचीन काल से मध्यकाल और मध्यकाल से आधुनिक काल तक चतरा इतिहासों में रहा है। प्राचीन काल की बात करें तो कहा जाता है कि अशोक के शासनकाल के दौरान समुद्रगुप्त ने चतरा के माध्यम से चलते हुए महानद के घाटी में दक्षिण कैलाश राज के खिलाफ पहला हमला करने का निर्देश दिए थे। वहीं मध्यकाल की बात करें तो तुगलक के शासनकाल के दौरान अलीवर्दी खान 1737 ईस्वी में कुंदा की ओर अग्रसर थे और टेकारी विद्रोही जमींदारों को पराजित करने के बाद फिर चतरा में बना किला पर हमला किया और उसे ध्वस्त किया। आधुनिक काल की बात करें तो 1805 से 1806 ईस्वी में चतरा में राजा राम मोहन राय श्री सदर के रूप में काम करते थे। वहीं 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों और ब्रिटिशों के बीच लड़ा जाने वाली लड़ाई चतरा की लड़ाई थी। यह लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 को फांसी तालाब के पास लड़ी गई। 4 अक्टूबर 1857 को आरोपी के तौर पर जय मंगल पांडे और नादिर शाह को फांसी पर चढ़ाया गया। चतरा जिले के तौर पर 29 मई 1991 को घोषित किया गया। जिले की क्षेत्रफल लगभग 3718 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले की आबादी लगभग 142,886 है। इस जिले में 12 प्रखंड है, 124 पंचायत और 1474 गांव हैं। चतरा में एक लोकसभा सीट तथा 2 विधानसभा सीट जो सिमरिया और चतरा है। आज मैं चतरा मुख्यालय प्रखंड की बात करूंगा। चतरा मुख्यालय प्रखंड का हाल देखकर आप और प्रखंडों का खुद पता लगा लेंगे। आज से कुछ दिनों पहले नीति आयोग ने लिस्ट जारी की जिसमें शिक्षा, रोजगार और कई डेवलपमेंट के आधार जिलों के बारे में बताया गया था। हमें बहुत अफसोस है कि चतरा का नाम नीचे से थर्ड पे है। ये रिपोर्ट देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं इसी सिलसिले के तौर पर रिपोर्ट बनाया और पूरे ज़िले का जायज़ा लिया। मैं इस रिपोर्ट में चतरा के लगभग हर मुद्दे को जानने की कोशिश किया। तो अब बात करता हूँ जिले में रोजगार की। मैंने चतरा के नौजवानों से बात किया। चतरा जिले में आधा से अधिक लोग बेरोजगार मिले। कई लोगों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी बेरोजगार है और कई लोग छोटे छोटे दुकानों और गुमटियों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कई लोग तो अपने छोटे छोटे दुकानों में पकौड़े तलते नजर आए। एक बड़ा बेरोजगार का झुंड हमें चतरा के खैनीगोड़ा मोड़ के पास मिला, जिसे लोग लेबर स्टंट कहते हैं।
इस स्टैंड में हर रोज लगभग सैकड़ों लोग रोजगार के आस में खड़े रहते हैं, जो कि छोटे छोटे गांवों से आते हैं। इसमें अधिकतर लोग लेबर, कूली और मिस्त्री होते हैं। कुछ लोगों को काम मिलता है और आधे से अधिक लोग वापस चले जाते हैं। यहाँ पे आते हैं डेली डेली यहाँ एक जगह का आदमी नहीं आता, मतलब पूरा गांव-गांव से लोग यहाँ आके जमा होता है, हर जगह से यहाँ आता है। अच्छा, यहाँ की खैनी गोला मोड़ को लेबर स्टैंड कहा जाता है। लेबर स्टैंड यही है। आप कौन गांव से हैं? हमारा पड़ेगा प्रखंड कुंदा प्रखंड। और गांव है पिंजा गांव। अच्छा, रोजगार के आस में बैठे हुए हैं। करे जब कुछ पड़ा है ना, तहना से लगता है कि 10 दिन अभी नहीं काम हुआ। अच्छा, तो मजदूरा है तो, मतलब कितना मिल जाता था एक दिन में? कितना मिलता था एक दिन में? मिलता है या 400-500 यही मिलता है। 400-500 मिलता है। अगर काम लगा तो, काम नहीं लगा तो फिर खाली हाथ घर चल जाते हैं। तो सरकार से कोई मांग है आपको कि हमको सरकारी काम मिले? कुछ रोजगार सरकार दे तब ना। अच्छा, कोई रोजगार दे रही है आपको? रोजगार चाहिए, कम से कम दे दे। हम लोग चतरा जिला एक अति पिछड़ा जिला है। इस जिले में लगभग 38% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। के कुछ गांवों की जायजा लिया, वहां के लोग हमें मायूस नजर आए। उनका कहना है कि गांव में ना ही रोड है, ना ही बिजली है, ना ही पक्का मकान है, जो कि हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। कई लोगों ने बताया कि 2 साल से अधिक उसे आवास के चक्कर काटने में लग गया, पर उसे आवास आज तक मिला ही नहीं और कोई लोग उसके सुनते ही नहीं। यह जिला एक अति पिछड़ा जिला है। इस जिले में लगभग 38% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं। यह जिला उग्रवाद प्रभावित जिला है। इस जिले में उग्रवादियों का अड्डा है। मैंने लोगों से करप्शन के बारे में बात किया जिले में, आइए देखते हैं करप्शन के बारे में, जिले में करप्शन लेवल कहाँ तक है। मैंने लोगों से चतरा के करप्शन लेवल के बारे में भी बात की। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कई लोगों ने बताया कि जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी काम सरकारी कर्मचारी के हाथ गरमाए बिना नहीं होता। कोई भी सरकारी संस्थान में चले जाए बिना घूस के एक फाइल भी आगे नहीं बढ़ता। शासा सर जी, दो बार हमने SDO को लिख के मिला जी, से लिख के मिला, अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। अब मैं बात करता हूँ जिले में शिक्षा व्यवस्था के बारे में, चलिए देखते हैं ये शिक्षा का रिपोर्ट। अब बात करता हूँ जिले में शिक्षा व्यवस्था के बारे में। जिले में तो सरकारी शिक्षा संस्थान है, पर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। मैंने कई गाँव में खुद जाकर देखा के स्कूल में आधे से अधिक बच्चे अनुपस्थित रहते हैं, क्योंकि शिक्षक कुछ पढ़ाते ही नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर वेतन खाते हैं। जिले में उच्चतम शिक्षा के लिए कई कॉलेजेस भी हैं, कैंपस बिल्डिंग की व्यवस्था तो अच्छा है, पर शिक्षकों की कमी और मनमानी बच्चों का मनोबल टूटता हुआ दिखाई देता है। चतरा जिले का लिटरेसी रेट 58.18 है। हायर एजुकेशन की व्यवस्था ना होने के कारण बच्चों को जिले से दूर जाना पड़ता है। कई जगहों पर तो बच्चे कचरा चूनते नजर आए, कभी स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाए। मैंने लोगों से बिजली के बारे में भी बात की, अब देखिए बिजली की रिपोर्ट। जिले में बिजली की बात करें तो चतरा के बिजली रानी है। कब आती और कब जाती पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा हवा और पानी हुआ, जिले में 3-4 दिन तक बिजली लगातार गायब रहती है। बिजली के गुल रहने से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये तो चतरा टाउन का हाल है। गांव की बात करें तो कई गांवों में बिजली पहुंची ही नहीं और है भी तो सिर्फ नाम का, रानी कभी आती ही नहीं है।
जिले में पानी की रिपोर्ट देखी। खैर, अब बात करते हैं चतरा में पानी की। जिले में कई इलाका है जहां पानी के पाइप पहुंची ही नहीं, और जहां है भी वहां 3-4 दिनों तक लगातार पानी आती ही नहीं, और आती भी है तो पानी पीने लायक नहीं होती। कई लोगों ने तो पानी के मुद्दे को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। जिले में कई जल मीनार भी है जो कि सूखी पड़ी रहती है। अब मैं बात करता हूँ जिले में सड़क की, तो सड़क की ये रिपोर्ट देखिए। चतरा जिले में सड़क की बात करें तो चतरा मेन रोड का हाल आप खुद देखें। लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे आपको मिलेंगे। गांव की बात करें तो गांव वालों ने बताया कि गांव सड़क बनी ही नहीं। बात करता हूँ जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में, तो चलिए आगे देखते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था का ये रिपोर्ट। अब बात करते हैं जिले में स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो चतरा मुख्यालय में एक सदर अस्पताल है। बना हुआ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पर दिक्कत इस बात की है कि डॉक्टर की सही फैसिलिटी नहीं है और इमरजेंसी सर्विस भी नहीं है। जो दवा की ज़रूरत होती वो दवा भी नहीं मिलती। कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधित संस्थान में भी सुधार की जरूरत है। हाँ बोलिए, काजी बोले थे। 5 लाख रुपया के यहाँ लिखा है बोर्ड में। हाँ, और हॉस्पिटल में आदमी जाता है तो एक टैबलेट नहीं मिलता। मतलब कब, मतलब फ्री वाला का इलाज नहीं होता, अगर पैसा दीजिएगा तो इलाज होगा। इलाज का वहाँ से दवाई नहीं मिलता है, दवाई तो मिलता है यहाँ जाती दुकान से लेते हैं पैसा से। तो वहाँ कल जाएगा भाड़ा लगा के 20-50 रुपया घर से, मान ले किशनपुर मेरा घर है वार्ड नंबर 15, और यहाँ से हम जाएंगे भाड़ा लगा के, वहाँ दवाई नहीं मिलेगा तो फिर इधर ना हम इलाज करा लेंगे। हॉस्पिटल भी है तो लगाओ, किसका है उसी का हॉस्पिटल है। हाँ लगाओ है तो मिलता है, और वो भी नहीं बढ़िया से 20 रुपया का दवा भी नहीं देता है, और भी नंबर लगाइए भी नहीं। तब मतलब ऐसा हॉस्पिटल यहाँ लिख दिया है कि मोदी जी के हम 5 लाख के दे रहे हैं, वहाँ तो दवाई तुरा ही ले सक रहे हैं, तो फिर इधर 5 लाख के कहाँ से वो देगा दवाई। बेवकूफ बनाने वाला है वो है कि 5 लाख का फ्री कर दे, गरीब आदमी भी नितराए 5 लाख रुपया का हमारा मतलब इलाज हो, और वहाँ हॉस्पिटल में जाइए तो 1 रुपया का टैबलेट नहीं मिलता, तो फिर नितराना का वो सब फायदा। चतरा जिले में रेलवे बाईपास की सुविधा नहीं है, चलिए देखिए ये रिपोर्ट रेलवे व्यवस्था की। आज़ादी के 72 साल और झारखंड के 18 साल के बाद भी जिले ने आज तक रेल की शक्ल नहीं देखी, और ना ही इस जिले से कोई बाईपास जाती है। बाईपास की व्यवस्था ना होने से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे देखें तो चतरा जिला अमीर जिलों में से एक जिला है। इस जिले में अनेक मिनरल खनिज भरे हुए हैं। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। भौगोलिक नजरिए से देखें तो चतरा जिला अमीर जिलों में से एक है। यह जिला खनिज तत्वों से भरा हुआ है। इस जिले में अनेकों मिनरल्स पाए जाते हैं। कोयला, अभ्रक, लोहा, अल्मीनियम और चूना पत्थर जैसे खनिजों से भरा हुआ यह जिला है। इतना अमीर होने के बाद भी जिले के लोग पिछड़े और गरीब हैं। इतने पदार्थ होने के बाद भी इस जिले में कोई भी फैक्ट्री नहीं है। सारा मिनरल्स बाहर एक्सपोर्ट होता है और हम बेरोजगार बैठे हैं। अगर इस जिले में एक दो भी फैक्ट्री होती तो सारे लोग रोजगार होते, उससे दर दर की ठोकरें और भटकना नहीं पड़ता। जिले में अनेकों जलप्रपात है जो कि लोगों में आकर्षण का विषय बना रहता है। आइए देखते हैं जिले में जलप्रपात की रिपोर्ट। चतरा जिले में अनेकों जलप्रपात है जो लोगों में आकर्षण का विषय बना रहता है। तमासिन जलप्रपात, गोवा जलप्रपात और मालोदा जलप्रपात। तमासिन जलप्रपात की बात करें तो ये जिले से 30 किलोमीटर दूर पे है। वही गोवा जलप्रपात जिले से 10 किलोमीटर दूर पे है। Go, go, go.
मैं हूँ चतरा जिला के गोवा फॉल में। देखिए ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही भयानक दृश्य भी कह सकते हैं। और प्राकृतिक का जो खूबसूरत नज़ारा होता है वो अक्सर भयानक होता ही है। देखने में जितनी ही खूबसूरत होता है उतना ही वो भयानक होता है। पर देखिए आप मज़ा लीजिए, वाओ क्या बात है। जिले में आस्था की बात करें तो जिले में अनेक आस्था है और इस जिले में अनेकों धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। जिले में आस्था की बात करें तो कोलेश्वरी और भद्रकाली मंदिर से लेकर बोरा शरीफ और खानका मरकज भी है। खानका मरकज के बारे में लोग कहते हैं कि खानका मरकज झारखंड का सबसे पुराना मरकज है। चतरा के इटखोरी प्रखंड में हर साल इटखोरी महोत्सव का कल्चरल प्रोग्राम होता है, जिसमें लोग देश भर से आनंद लेने आते हैं। ये लोगों के लिए आकर्षण का विषय बना रहता है। जिले में कई ऐसे भवन पड़े हैं जिसमें इंसान नहीं जानवरों का बसेरा है। जिले में कई ऐसे भवन पड़े हैं जिसमें इंसान नहीं जानवरों का बसेरा है। चतरा ब्लॉक के पास दर्जनों ऐसे भवन पड़े हैं जिसमें सारा फैसिलिटी है। किचन बाथरूम से लेकर बालकोनी तक की फैसिलिटी है, पर कोई रहता नहीं, फालतू पड़ा है। लोगों छोटे छोटे झुग्गियों में गुजारा कर रहे हैं और ये भवन बंद पड़ा है। इतना कुछ होते हुए भी जिले में विकास नहीं हो पाया, चतरा की सरकार चतरा में रहती ही नहीं। इतना कुछ होते हुए भी जिले में विकास नहीं हो पाया। लोगों के माने तो सबने माना कि विकास न होने का कारण स्थानीय प्रतिनिधि ना होना है। चतरा लोकसभा सीट से कभी स्थानीय सांसद नहीं चुना गया। बाहर के लोग आते हैं और सत्ता पर कब्जा करके चले जाते हैं और हमें खाली लोटा दे देते, और इसे ही हम लोग झेल रहे हैं। चतरा के वर्तमान सांसद सुनील सिंह हैं, जो कभी शकल दिखाने भी नहीं आते, सिर्फ फोटो और बैनर में ही दिखते हैं। यही हाल चतरा के विधायक का भी है। चतरा का विधायक जय प्रकाश भोक्ता है, कब आते और कब जाते पता ही नहीं चलता। और यहाँ का 10 साल से जो नौकरी कर रहा है उसको आप रोड पर फेंक दिया है। अच्छा, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, अब क्या सरकार है? और यहाँ का जो विधायक है जय प्रकाश जी भोक्ता जी, वो तो और लोथ है। और लोथ है, उसके बारे में मतलब कुछ आते हैं कि नहीं आते हैं एरिया में? कभी आके निरीक्षण करते हैं कि नहीं करते नहीं। हैं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं, कोई एरिया में नहीं। वो एरिया में नहीं। मतलब आप जय प्रकाश हुए ना, सुनील सिंह हुए, वो केवल रांची देखते हैं, अपना घर देखते हैं, उसका कुछ नहीं। अच्छा, तो इस पर कुछ विचार बना रहे हैं कि लोकल को लाया जाए कि बाहर के लाया जाओ? ना, हम तो सोच रहे हैं लोकल 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 का बात ज्यादा चल रहा है, तो लोकल रहेगा तभी काम होगा, आपको लग रहा है? अच्छा, मेरी मानो तो जिले में विकास तभी संभव है जब क्षेत्रीय प्रत्याशी चुना जाए, वैसे लोग को चुना जाए जो आपके साथ रहा हो, आपके हर क्षेत्र का जायजा लिया हो और आपकी आवाज को संसद और विधान परिषद तक उठावे और आपके लिए हमेशा लड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो। आ रहे हैं चुनाव और कुछ चुनावी उम्मीदवार भी आपके बीच आएंगे, आप और आपके वोटों की कीमत लगाएंगे। एक बोतल शराब या 1 किलो चिकन या कुछ पैसे, 1,000, 2,000, 10,000 आपसे ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करेंगे, पर शुरू में ही आपसे भ्रष्टाचार करना शुरू कर देंगे। क्या आपका ये विकास कर पाएंगे? एक बार पूछिए अपने अंतरात्मा से, पूछिए अपनी अंतरात्मा से
क्या ये विकास कर पाएंगे? अगर आप बिक जाते हैं ना, तो अपने आने वाली पीढ़ी के साथ, अपने बच्चों के भविष्य के साथ, अपने देश के साथ, अपने प्रदेश के साथ, अपने देश के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के साथ खिलवाड़ करेंगे। मेरी आपसे यही आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति को सफल बनाए जो आपको सफल बनाए। जय हिंद। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि चतरा के एमपी एमएलए और आगामी प्रत्याशी और चतरा के सभी लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।